तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस एग्रीमेंट वर्सेस टेंडर। यानी कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन लाइन की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली इसी का जो एक बेसिक है वो मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सबसे पहले क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसका जो एक प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। तो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसको कोई काम कराना है, या फिर कोई बिल्डिंग का काम कराना है, या फिर किसी रोड का काम कराना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी काम को कॉन्ट्रैक्टर से अवार्ड करने से पहले हमारी एक प्रोसेस होती है टेंडर या फिर टेंडरिंग की। तो ये है क्या, ये कैसे काम करता है? तो मैं एक लाइन डाल देता हूँ क्योंकि इसी के बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें मान लीजिए ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की अवार्ड, यानी कि आपका यहाँ पर काम अवार्ड हो जाएगा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को। अब इसमें आपकी दो स्टेजें क्रिएट हो गई। अवार्ड होने के बाद में आपकी कंस्ट्रक्शन स्टेज, यानी कि जो भी आपको काम कराना है, और उससे पहले की ये होती है आपकी टेंडरिंग स्टेज। अब कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर में डिफरेंस क्या है? आप देखिए ऐसे समझिए, टेंडर जो है कंस्ट्रक्शन के पहले की जो प्रोसेस है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का ही पूरा एक परफॉर्मा होगा, एक पूरा फॉर्मेट होगा। यानी कि गवर्नमेंट बताएगी, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कि आपका जो इस काम को करने के लिए जो भी एक फॉर्मेट रहेगा या किस फॉर्म में वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होगा, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो आपकी टेंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि काम को अवार्ड होने से पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या फिर जो भी उसकी प्रोसेस रहेगी, तो वो आपका टेंडर होता है। और यही परफॉर्मा और डॉक्यूमेंट जो हैं, जब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर दिए जाएंगे, क्योंकि टेंडरिंग में आपके 3, 4, 5, 10 कितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं इस काम को लेने के लिए, लेकिन काम अवार्ड सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को होगा। तो यानी कि टेंडर डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब कन्वर्ट हो जाता है जब उसको क्लाइंट प्लस कॉन्ट्रैक्टर बोथ पार्टी उसको साइन कर देती हैं। यानी कि वो क्या करती हैं, वो एक एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं जब वो काम किसी को अवार्ड हो जाता है। तो यानी कि टेंडर जो है काम को अवार्ड करने की पहले की स्टेज है, या फिर जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंडर। और जब यही टेंडर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर देते हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो जाता है दोनों लोगों के बीच में, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। तो अब बात आती है टेंडरिंग, यानी कि इसकी टाइप्स, ये कितने टाइप का हो सकता है और इसकी प्रोसेस क्या क्या हो सकती हैं। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि टेंडर को कितने टाइप से प्रोसेस किया जाता है मार्केट में। तो इसके जनरली आपके सिर्फ 4 टाइप होते हैं, सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर एंड ग्लोबल टेंडर। यानी कि ये सिर्फ 4 फॉर्म होते हैं किसी भी टेंडरिंग की स्टेज के लिए। सिंगल टेंडर क्या होता है, आप ऐसे समझिए, सपोज कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर अगर आपको कोई काम कराना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी टेंडर की प्रोसेसिंग का, तो आपने क्या किया, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसके साथ चीज़ों को, रेट को नेगोशिएट किया और काम उसको अवार्ड कर दिया, तो दैट्स कॉल्ड सिंगल टेंडर। यानी कि उसमें जो पार्टिसिपेंट्स कितने आए, एक आया सिंगल, तो इसको बोलते हैं सिंगल टेंडर। दूसरा केस सिंगल में ये हो सकता है कि कोई एक स्पेशलाइज जॉब है जो कोई एक ही कंपनी करती है, या फिर जो भी कोई कंसर्न पर्सन है सिर्फ उसको ही उसके बारे में मालूम है, तो उस केस में भी आपका सिंगल टेंडर का क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरी चीज़ लिमिटेड टेंडर। अब लिमिटेड टेंडर प्रेफर कहाँ किया जाता है और ओपन टेंडर में डिफरेंस क्या है? अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो लिमिटेड टेंडर सबसे ज़्यादा आपका प्रेफर किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि जो भी आपका रियल एस्टेट है या जो भी प्राइवेट काम है, जबकि ओपन टेंडर सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में।
तो यानी कि पहले ओपन टेंडर की बात करेंगे, बाद में लिमिटेड की। तो ओपन टेंडर को आप ऐसे समझिए कि जब आप कभी भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, कि जैसे कि आप देखने को मिलता है NIT बेसिकली कॉल्ड नोटिस इनवाइटिंग फॉर टेंडर। तो ये एक ओपन टेंडर है, पब्लिकली पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर में, कि जो भी उस काम को करने के लिए, यानी कि जो भी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उनके क्राइटेरिया में क्वालिफाई कर रही है, कि यानी कि उसकी क्या होती है, एक प्री क्वालिफिकेशन होती है, PQ जिसको बोलते हैं, तो वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है और ऑल इंडिया में वो कहीं से भी किसी काम को भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दैट्स कॉल्ड ओपन टेंडर। और ओपन टेंडर की वेबसाइट्स भी हैं, यानी कि उसका क्या है, etender.gov.in, यानी कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं CPP पोर्टल। तो ये बेसिकली आपका ओपन टेंडर की कैटेगरी में है। और अब जब बात आ जाती है लिमिटेड टेंडर की, अब लिमिटेड टेंडर क्या होता है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में होता क्या है कि जो काम है वो कुछ लिमिटेड लोगों को देना है, यानी कि कुछ कंपनियों के पास डाटा होता है कि कौन कौन से मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इस काम को करते हैं, तो हम 8-10 कॉन्ट्रैक्टरों को बुला लेते हैं, यानी कि लिमिटेड लोगों को, और उन्हीं में से ही हम लोग सिलेक्ट करके ये काम अवार्ड कर देते हैं। तो यानी कि उसमें लिमिटेड लोग हैं। लेकिन ओपन टेंडर की कैटेगरी में क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, क्योंकि ये एक ओपन टेंडर है। और ओपन टेंडर के में सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काम सिर्फ एक को अवार्ड होना होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ओपन एंड लिमिटेड में। और चौथा है आपका ग्लोबल टेंडर, यानी कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि अगर आपको इंडिया में काम कराना है तो वर्ल्ड वाइड आप पब्लिश कर सकते हो, कि दुनिया से, ओवरऑल वर्ल्ड से कोई भी आके उस काम की टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है आपके। इनमें नोट करने वाली चीज़ क्या थी कि जो टेंडर है या उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेंडर तब तक रहेगा जब तक ये काम किसी को अवार्ड नहीं हो जाता है। और जैसे ही ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स किसी को काम अवार्ड होगा तो ये क्या होगा, बोथ पार्टीज को साइन करेंगे और यही टेंडर आपका कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो आई होप गाइस आपको आज का जो वीडियो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इन चीज़ों के बारे में। और मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।